नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंद्रमा विश्वाल आपको वेलकम करता हूँ आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सेव करके रख सकते हैं इंस्टाग्राम की कोई भी फोटो या फिर वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप एक इंस्टाग्राम यूजर हैं या फिर आप इंस्टाग्राम में वैसे ही कुछ कुछ थोड़ा एक्टिव रहते हैं, तो दोस्तों आप जिन्हें फॉलो कर रहे हैं या फिर जिन्हें जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं उन लोगों में बहुत सारे लोग हैं जो सब बहुत टाइम वो सिर्फ इंस्टाग्राम में एक्टिव होकर फोटो ही डालते रहते हैं। तो दोस्तों, वो सब कोई कुछ बेतु के फोटोज़, ख़राब फोटोज़ नहीं डालते, जिन बेकार फोटोज़ नहीं डालते, उन वो कुछ वैसे फ़ोटो डालते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो सिर्फ सेल्फी खींच लेता है और फोटो डाल देता है। लेकिन दोस्तों, वो लोग कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया फोटोज़ भी डालते हैं जिन्हें हम सेव करके रखना चाहते हैं अपने डिवाइस में। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम हमें अलाउ नहीं करता कि आप लोग इंस्टाग्राम से कोई भी फ़ोटो या फिर वीडियो डाउनलोड करके अपना डिवाइस में रखें। ये चीज़ हमें इंस्टाग्राम अलाउ नहीं करता। इसीलिए दोस्तों, अगर आप ये ट्रिक सीखना चाहते हैं कि कैसे आप डाउनलोड करके रख सकते हैं कोई भी फ़ोटो या फिर वीडियो अपने डिवाइस में, तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल, तो फ्रेंड्स चलिए इंस्टाग्राम में। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम में बहुत सारी फ़ोटोज़ आ रही हैं। यहाँ पे देखिए, एक फ़ोटो यहाँ पे है लेकिन दोस्तों मुझे ये फ़ोटो कोई खास नहीं लगी, तो मैं आगे चलता हूँ। दोस्तों, ये जो फ़ोटो है सुरेश रैना का, दोस्तों ये मुझे कुछ अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा है। दोस्तों, इसे डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा एक एप्लीकेशन की। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वो जो एप्लीकेशन मेरा यहाँ पर मैंने रखा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो कि लोडिंग लेगा और एक एडवर्टाइज चले आएगा। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो बटन है इसको टर्न ऑन कर देना है और यहाँ पे माय ओपन इंस्टाग्राम को क्लिक करना है। और ये जो सुरेश रैना का फ़ोटो है इसको डाउनलोड करने के लिए मुझे ये जो 3 डॉट है इन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कॉपी लिंक का ऑप्शन क्लिक, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, कुछ लोडिंग होगा। ये देखिए कुछ आ रहा है। और दोस्तों, ऊपर देखिए दोस्तों, ये आ गया डाउनलोड कंप्लीटेड। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये है यार, ये फोटो गैलरी में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये रहा वो सुरेश रैना का वही फ़ोटो। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये फेक वीडियो है, मैंने पहले से एक कैसे करके डाउनलोड करके किसी ब्राउज़र से डाउनलोड करके रखा है, तो दोस्तों मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी एक हम एक नया फ़ोटो इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, एल्बम्स में हम दोस्तों यहाँ पर देखिए, 18 मई को मई 18 को यहाँ पे एक लास्ट जो फ़ोटो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो सुरेश रैना का ही है। तो चलिए, मैं आपको एक ऐसा और एक फ़ोटो डाउनलोड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, दोस्तों ये देखिए, ये एक फ़ोटो है जो, चलिए दोस्तों ये जो वीडियो है इसे इंस्टॉल करते हैं या फिर आगे चलते हैं। आगे चलिए दोस्तों, विराट कोहली का एक बहुत ही बढ़िया फ़ोटो है, इसको डाउनलोड करते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए और अब सी ये फ़ोटो ने एडवर्टाइज था दोस्तों, इसलिए नहीं हुआ।
इस वाले फोटो को डाउनलोड करते हैं। इस यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी लिंक, ऊपर देखा, डाउनलोडिंग डाउनलोडेड। अभी मैं आपको अपने गैलरी में दिखा देता हूँ। ये देखिए, यही था वो लास्ट वाला फ़ोटो और ये है आपका फ़ोटो। दोस्तों यहाँ पे डिटेल्स दोस्तों यहाँ पे देखिए डिटेल्स। ये दोस्तों मैं 18 को अभी के टाइम 15:23 यानी 3:23 को आया है। अभी 1 मिनट ज़्यादा हो चुका है। दोस्तों आपने देखा मैंने एक बार भी वीडियो को स्किप नहीं किया। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये ऐसा करें। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोई भी फोटो या फिर वीडियो जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दीजिए, यहाँ पे जस्ट कॉपी कर दीजिए और वो जो आप फोटो या फिर वीडियो है आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और नए नए टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।